अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय सेल्फ फयाज़ अहमद एंड यू आर वाचिंग फयाज़ डिज़ाइन स्टूडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ट्रिम की कमांड हम ऑटोकैड में कैसे यूज़ करते हैं, इसका पर्पस क्या होता है और इसके लिए हम शॉर्टकट की क्या यूज़ करते हैं। तो वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मैं आप सब भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि जिन भाइयों ने अभी तक मेरा चैनल फयाज़ डिज़ाइन स्टूडियो सब्सक्राइब नहीं किया वो तो मेरा चैनल फयाज़ डिज़ाइन स्टूडियो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि जो भी मेरी नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। ट्रिम की कमांड के लिए हम जो शॉर्टकट की यूज़ करते हैं वो है TR। इस कमांड की मदद से ऐसी लाइनें जो किसी दूसरे पॉइंट या लाइन वगैरह को क्रॉस कर रही हो वो मिटाई जाती हैं। ये आधी लाइन को मिटाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये कमांड लेकर इस लाइन पर क्लिक किया जाता है जिसको मिटाना हो। इस कमांड की सेटिंग करके एक मरतबा क्लिक करके तमाम लाइनों में क्रॉस हुई लाइन को एक ही मरतबा साफ कर दिया जाता है। ये काम करने के लिए TR लिख कर एक बार इंटर किया जाता है और वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया जाता है जिसके साथ क्रॉस हुई लाइन या लाइनों को मिटाना मकसूद हो। फिर इंटर करके इस लाइन को सिलेक्ट किया जाता है जिसको मिटाना है, तो वो पूरी लाइन मिट जाएगी। बेशक वो काफ़ी लाइनों को क्रॉस कर रही हो, कमांड एक्टिव करने के बाद अगर कोई भी लाइन सेलेक्ट के बगैर इंटर कर दें तो ऑटोकैड ड्राइंग में बने हुए तमाम ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएंगे और फिर जो क्रॉस लाइन है पूरी ड्राइंग से मर्जी ट्रिम करने और ट्रिम की जा सकती हैं। मगर किसी मखसूस लाइन या लाइनों का अगर सेलेक्ट कर लिया जाए तो सिर्फ वही लाइन या लाइनें ट्रिम होंगी जो सेलेक्ट की हुई लाइन या लाइनों को क्रॉस कर रही हो। तो बहुत ही आसान जो है कमांड है ये। आपको इससे अगर नहीं समझ चलेगी तो आप इसको बड़ी केयरफुली जो है ना इसकी तैयारी करें और इसको पढ़ें बार बार। अगर आपको कुछ मुश्किल आ रही है तो फिर आप जाके मेरा जो ट्यूटोरियल है इस पे जो मैंने बनाया हुआ है कैड में वो आप देखें तो उससे आपको काफ़ी आसानी होगी। हालांकि यहाँ पे जितनी आपको ये मुश्किल लग रही है इतनी ये आसान कमांड है जब हम यूज़ करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी और आगे भी इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल फयाज़ डिज़ाइन स्टूडियो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि जो भी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। तो अपने भाई फयाज़ अहमद को इजाज़त दें और दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।